सो ही गाइज, हाउ यू? आई एम इशिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन आया अबू दीदी का कि अनमोल भैया लेके आ रहे हैं BMW। तो मैंने तो पहले यकीन नहीं किया मुझे, क्योंकि पहले भी उन्होंने प्रैंक कर चुके हैं ना, छोटी वाली तब बाइक ले आए थे, पॉकेट बाइक ले आए थे। तो फिर पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, तो वो कह रही नहीं नहीं अब तो सच में लेके आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो कह रही शाम को 7 बजे तैयार मिलियो मुझे मंदिर में। तो फिर मैंने बोला क्यों? कह रही पूजा वगैरह करेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, तब उन्होंने ये बोला पूजा वगैरह करेंगे शाम को 7 बजे तैयार मिलियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मिल लेंगे तैयार। एंड वैसे ना पता है क्या, मैं सोच रही थी आज जाने के लिए सोनू भाई के साथ, लेकिन ना मुझे ये नहीं पता था कि ना BMW ही लेने जा रहे हैं सोनू भैया, क्योंकि सोनू भाई ने किसी को नहीं बताया था, आबू दीदी, ताई को, ताऊ को, किसी को नहीं पता था कि वो BMW लेके आ रहे हैं। एंड ताऊ और आबू दीदी चले गए थे, उनको लगा कि कोई पार्टी वगैरह, क्योंकि उन्होंने सोनू मैंने बोला था कि कंपनी की ना कोई पार्टी वगैरह है, तो उधर कुछ खाना वगैरह मत, तो उधर ही सब कुछ हो जाएगा, लंच वगैरह। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ना मेरे एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ना आज छुट्टी करते हैं, कल चल लूंगी मैं सोनू भाई के साथ, क्योंकि कल तो सोनू भाई का बर्थडे है। तो मैंने कहा आज सारा कुछ जितना भी याद करने वगैरह वाला है वो सब कुछ आज ही कर लेती हूँ, कल फिर टाल कर लेंगे, है ना। तो फिर अब आबू दीदी का फोन आया, तो मैं अभी तक सोच रही हूँ कि यार काश मैं चली जाती, मेरा ब्लॉग बन जाता पूरा अच्छे से। चलो कोई नहीं, अब अनमोल भाई आने वाले हैं 7 बजे बाइक लेकर, और चलो पूजा वगैरह कर लेंगे। भूसा से तो कितनी ह्यूज है ये, आपको वीडियो में तो नहीं पता चल रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी है। साइलेंसर चेक हो रहा है, ऑन है। करो गियर पे लगा, करो 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 करो। हाँ नीचे होती है। अब हम जा रहे हैं मंदिर पूजा वगैरह कराने, BMW की पास ही है वैसे। कांग्रेचुलेशन भी ले आए हैं, प्रसाद और नारियल, और वहाँ पे फोटो सेक्शन चल रहा है। और लाइट पे बंद कर। हाँ ये टीका बाद में करूंगे इसके। जय श्री राम।
इधर से पीछे भी है आगे करोगे दोनों में आ जाएंगे आगे करने इधर आ जा इधर आ जा सबसे पहले पूछो को मिलेगा सोनू भैया जाने लगे हैं मनाली ना मनाली ठीक है मैं घर आ जाऊंगा आ रहा हूं इसको हां हां Five minutes later. आठ कह रहा है मुझे भी जाना है मैं कहाँ पे बैठूंगी फिर रोक्सी देखो कैसे देख रहा है कि मुझे भी जाना है बैठ और सोनू भैया की हवा टाइट हुई पड़ी है रोक्सी को देख के बैठ बैठ सारे बैठ चुके हैं हम तीनों बहुत बड़ी बारी है आराम से चार जने भी आ सकते हैं हम दीदी राम में जा रहे हैं सबकी सोनू भैया आज कुछ खिलाएंगे भी क्या खिला रहे हो सोनू भैया आज नहीं कल आज थोड़ी आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं ठीक है आप भी जाती ना पार्ट को नहीं खिलाएंगे अरे पकड़ा हुआ है चल रहा है ना वैसे अगर हायाबुसा और बीएमडब्ल्यू के बारे में बात की जाए ना तो मुझे दोनों में से अगर ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साउंड करती है हायाबुसा ये तो बिल्कुल भी ज़्यादा साउंड वगैरह नहीं करती है और इसकी सीट भी बहुत लंबी है ऊपर से बहुत बड़ी भी है मामा हम कुछ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं वैसे तो सोना कह रहे हैं कि कल खा लेंगे लेकिन चलो खाना वगैरह तो हो ही गया तो चलो आज आइसक्रीम खा लेंगे कल क्योंकि सोना पार्टी दे रहे हैं ना क्योंकि कल सोना का है बर्थडे पार्ट को नहीं खिलाएंगे आइसक्रीम yeah. पार्ट को नहीं खिलानी आइसक्रीम yeah. तब नहीं खिलानी मामा कल है और कल है मेरा एग्जाम हिंदी का वैसे अगर कोई और होता मैथ्स वगैरह का तब कोई टेंशन होती लेकिन हिंदी का ही है ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ आता है पास तो होना नहीं है क्यों पास नहीं होना बहुत अच्छे से पास होना है 90+ आएंगे मेरे मंगले की ओके तो गाइस अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो ना तो आपको पता होगा कि मैंने हिमाचल में एक कहीं से ना फलूदा खाया था ओहो बाइक रुक गई तो मैंने ना उधर से फलूदा खाया था एंड मुझे पता है क्या मंगले का फलूदा सबसे बेस्ट है गाँव में तो मुझे बहुत याद आ रही थी मंगले के फलूदा तो आज तो मैं कह रहे चलो वही खाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है तू क्या खाएगा कुल्फी खाएगा फलूदा खाएगा फलूदा अच्छा मैं भी फलूदा ही खाऊंगी सोनू भैया ही आइसक्रीम खाएंगे वो कुल्फी खाएंगे देखो गाइस कैसे देख रहे हैं हम बीएमडब्ल्यू सारे ये फलूदा वाले के वहां बनाई हो रिएक्शन हां ओ फैन मिल गया सोनू भैया का थैंक यू ना सोनू भैया के तो हर जगह फैन मिल जाते हैं इंडियन बैकपैकर ओ इंडियन बैकपैकर अब हम जा रहे हैं ना जो कि में जहाँ पे मंगनी कुल्फी वाला है वहाँ पे हम सबका रिएक्शन देखेंगे कि बीएमडब्ल्यू को देख के सारे कैसे रिएक्ट करते हैं पार्ट वैसे तेरे को बीएमडब्ल्यू ज्यादा अच्छी लगी कि हायाबुसा नहीं डब्ल्यू बीएमडब्ल्यू
इसको भी BMW ही अच्छी लग रही है। खुली है, खुली है मंगवे की। ये कह रहा है कि खुली हुई है क्योंकि हम पिछली बार जब आए थे ना तब बंद थी, बहुत जल्दी बंद हो जाती। आ गई है हमारी मंगले की कुल्फी। कर पार तो उतरो उतरो। पार तो ऐसे जा रहा है जैसे पता नहीं इसके चाचे की वो हो दुकान। हाँ मैंने ना ये वाला बटर स्कॉच। हाँ बटर स्कॉच, बटर स्कॉच ले रहा है ये। हाँ चलो, यहाँ पे तो ऐसे कोई कुछ नहीं देख रहा। मेरे को लगा बहुत धाकर रिएक्शन आएगा। भीड़ नहीं है ना? हाँ अगर भीड़ होती ना तब देखते लोग, यहाँ पे तो भीड़ ही नहीं है कुछ। अरे इतना कुछ, हाँ चलो बैठ, इतना कुछ कैसे पकड़ूंगी मैं? क्या कर रहे हैं ये? चल दे दे ले। मेरा फलूदा कौन पकड़ेगा? बैठ गया ना, मैं ऐसे तो बैठ नहीं पाऊंगी, पहले पकड़ना पड़ेगा ना ये। चलो बैठ, ये लो ये पकड़ो। चलो बैठती हूँ। पार्ट कृपा करके गिराइएगा मत, क्योंकि मेरे एक हाथ में क्या वो मोबाइल है और एक हाथ में फलूदा है, तो मैं ये पकड़ नहीं पाऊंगी इसकी। मैं भी पकड़ लेगा, बस सोनू भैया की ड्रेस भी मत गिरा दियो। ये लीजिए पकड़ी है अपनी आइसक्रीम, बाकियों के लिए अब हम लेने जा रहे हैं। आपका BMW का प्लान कैसे बना? अभी तो आप परसों कह रहे थे मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है और वो सब नहीं है, तो बताओ। तो ये प्लान बना था 1.5 महीने पहले, मैं वैसे ही शोरूम पे गया था वहाँ पे बाइक देखने के लिए कि कैसी है, कितने की क्या EMI बनेगी, हिसाब किताब। तो उन्होंने कहा कि लास्ट ही पीस है ये, इसके बाद फरवरी में आएगी, तो मैंने देखने के उसी में ही सीधा बुकिंग करवा दी। और फिर मैं देहरादून वगैरह घूमने चला गया, और आते वक्त जब वहां से आया 3 तारीख को, 3 सितंबर को बाइक आ चुकी थी दिल्ली में, तो मैं ओखला गया, अनबॉक्सिंग वगैरह करी, वो व्लॉग में दिखाया मैंने पूरा, और फिर आज फाइनली जो है वो डिलीवरी ले ली। तो अभी आप मुझे परसों तो कह रहे थे कि तू दिलवाएगी BMW, और जान के जब ही तो छेड़ रहा था मैं। अच्छा, और अब BMW में जाने के मतलब कहाँ कहाँ पे प्लान बन रहे हैं? अभी जा रहे हैं हम 21 या 22 तारीख को जैसलमेर राइड पर, उसके बाद अगले महीने हम कसोल की राइड करेंगे, और उसकी क्या जगह थी वो भूल गया हूँ, ठीक कोई जगह भूल गया, चलो बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, क्यों अगर आप चुकी हूँ? हाँ इतने सारे कमेंट्स कर रहे थे लोग, इशिका फटाफट अब इंस्टाग्राम पर आ जाओ। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ इंस्टाग्राम पर, तो जिसने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाके फॉलो कर लो। एंड तो गाइज यही था व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सो दैट मैं जब भी व्लॉग लेके आऊँ आपके पास उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टोटल देन गुड बाय गाइज, बाय बाय।